I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But, you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बड़ी जबरदस्त देखिए इसको कहते हैं डिप्लोमेट इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर तो कोई फॉरेन मिनिस्टर कैसे इस तरह का बयान दे सकता है आपको लगता है कि वाकई इस तरह सारे दरवाजे बंद कर लेने से मसला हल होगा या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ देखिए इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे भारतीय सोच क्या है नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था हालांकि आप उनके हाथ में बम था अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है जयशंकर साहब जरूर आए हिंदुस्तान से भारत से आए हम उन्हें वेलकम करते हैं हम उनको खुश आमदीद कहते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए हमारे एहतजाज में शरीक करें ये बैरिस्टर सैफ जो है उन्होंने इनवाइट कर लिया है डॉक्टर जयशंकर को अपने प्रोटेस्ट में अब जो है ना हमने करना है कारोबार हमने दुनिया के साथ ट्रेड करनी है हमने जो है वो किसी चीज का ठेका नहीं उठाया हुआ हम यहाँ पे 24 करोड़ की आवाम हैं जो कि इज्जतदार तरीके से रोटी खाना चाहते हैं दो तीन पॉइंट्स एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे थोड़ा सा थोड़ी सी गुंजाइश है शायद थोड़ी सी होप्स भी हैं आशा है कि कोई बायलैटरल बातचीत भी हो जाए या कोई ओपनिंग निकल आए तमाम कैमरे तमाम नजरें तमाम रिपोर्टर्स सब ने पीछा करना है डॉक्टर जयशंकर का ये प्रेजिडेंट शी जिनपिंग बिंग टिंग जो भी हैं सब ने पीछे रह जाना है नमस्कार दोस्तों 16 एंड 17 अक्टूबर को SCEO की समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एंड एज वी ऑल नो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी इस्लामाबाद जाएंगे लेकिन उससे पहले आज हमारे विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सारी उम्मीदों की वाट लगा दी क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया सोच रही थी कि किसी तरह जयशंकर सर के साथ बायलैटरल मीटिंग हो जाए एंड इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सुधर जाए जयशंकर जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया फिर बहुत ही फनी वे में कह दिया कि आई विल बिहेव माई सेल्फ दैट मीन्स कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को वहां जाकर ज्यादा डांट ना लगाए वी ऑल नो कि कितने दिलेर अंदाज में हमारे विदेश मंत्री को कोई भी क्वेश्चन का टू द पॉइंट जवाब देना आता है तो कहीं अगर किसी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो डॉक्टर एस जयशंकर भी उनको तमीज सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और SCEO का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी मजर साहब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस दौरे से शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें अच्छा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो बड़ी अच्छी खबर होगी नहीं अच्छी खबर है इससे हट के कि होता क्या है नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है बॉडी लैंग्वेज बाज पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कान बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई क्योंकि ज़ाहिर है चाइना रशिया इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था तो उनके लिए आना ज़रूरी था अच्छा। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है उस दौरे के का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो अच्छा। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप है जिसके मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें लेकिन उसके बावजूद इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है भट्टी साहब आपकी क्या राय है देखिए मैडम शेख इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वजीर खारजा का आना पाकिस्तान
आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है, नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत, और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है, नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है, और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं, बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विज़िट के फौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वजीर खारजा वजीर दिफा अभी दो दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे तलुकात रखते, तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफगानिस्तान, भारत में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग, और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिशें, कभी फैटिफ में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तन्हा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वजीर खारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है, मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ़ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए हम। I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO, SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state, and one of us it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course, I'm planning for it. I mean, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you are not going to do, and which could happen also. I mean, you plan for that as well. Expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So. तो देखिए, ये आपने देख लिया है कि उन्होंने क्या कहा है, कि उन्होंने बड़ी दिलचस्प, बड़ी जबरदस्त, देखिए इसको कहते हैं डिप्लोमेट, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी चलाने वाला, कैसी बात करते हैं, इतनी जबरदस्त बात की है, बातें सारी की है ना उन्होंने। उन्होंने कहा देखिए दो तीन पॉइंट्स, एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे, बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज पर कोई बात नहीं होगी, साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए,